नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। यूपी में हर बीतते दिन सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन सियासी पारा भी से चढ़ना शुरू हो गया है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी दल सपा जोर शोर से जुटी हुई है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश भर में रथ यात्रा निकालकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने आज साफ कह दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा अखिलेश ने रालोद के साथ गठबंधन को लेकर भी टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने कहा कि रालोद के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर विचार विमर्श किया जाना है और जल्द ही इस पर फैसला भी लिया जाएगा। वहीं आज मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरह से घिर चुके हैं। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश के बयान पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि देश की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश यादव को देश और यूपी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि सीएम योगी मुरादाबाद में पुलिस अकेडमी में आयोजित 46वीं पुलिस उपाधीक्षकों की पासिंग आउट परेड में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार में बैठे लोग समाज को बांटने में लगे रहते हैं, उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी तक नहीं गई है। कल मैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातें सुन रहा था, वो इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जिन्ना से कर रहे थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी हैं। कल सपा प्रमुख की विभाजनकारी मानसिकता सामने आई जब उन्होंने जिन्ना को समकक्ष रख के सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नजर अब इस बार सिर्फ और सिर्फ महिला वोट बैंक पर ही नजर आ रही है। अगर सपा की बात कर ली जाए तो आज अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उधर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस सिर्फ महिला वोट बैंक पर ही अपनी नजर टिकाई बैठी है। महिलाओं के वोट को साधने के लिए कांग्रेस कई बड़े ऐलान कर चुकी है और आगे भी अब कर रही है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट और छात्राओं को स्कूटी और स्मार्टफोन देने का दाव चल चुकी है। आपको बता दें, सोमवार सुबह घोषणा पत्र को जारी कर प्रियंका ने यूपी की महिलाओं के लिए कई वादे किए हैं। प्रियंका गांधी ने आज सुबह ट्वीट कर कहा कि यूपी की मेरी प्रिय बहनों, आपका हर दिन संघर्षों से भरा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र भी तैयार कर रही है। तो कांग्रेस लगातार महिलाओं पर फोकस कर रही है और ऐसे में बीजेपी लगातार विकास कार्यों के तरफ से आगे बढ़ रही है। तो अखिलेश यादव भी अपनी तरफ माहौल बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता भूदेव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी ही देर में सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। अश्वनी जी, शुरुआत आज आपसे करूंगी मैं। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बन रहा है, लेकिन एक सवाल आज सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव में यूपी में जिन्ना की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, अखिलेश जी जो है इस समय अपने पुराने परिपाटी पर चल रहे हैं। इन लोगों के पार्टी का, इनका हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण प्राथमिकता पर रहा है। आप देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने यही महीना लगभग रहा था, कार्तिकों के खून से सरजू को लाल कर दिया है उन्होंने जी। आज एक पुराने अखबार की कटिंग मेरे सामने आई, आज के किसी ने कहीं पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, बहुत प्रतिष्ठित अखबार की कॉपी थी, उसकी हेडिंग थी कि कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई, 200 से ज्यादा लोग मरे और जलियांवाला बाग से बड़ा कांड किया। तो वो कौन लोग थे जो बाबर की
आत्मा को शांति देने के लिए उस समय जो है निहत्थे कार सेवक जो मेले में जा रहे थे उन पर गोलियां चलवाने का काम किया। और आज हिंदुस्तान में जो इतना महान लौह पुरुष उनकी तुलना जिन्ना से की जा रही है तो ये राजनीति की निम्न स्तर की पराकाष्ठा देखिए। और यही इन लोगों का मुस्लिम तुष्टिकरण की प्राथमिकता है। मुस्लिम तुष्टिकरण के इन लोगों ने नाम लगता है भारतीय जनता पार्टी का कि शमशान और कब्रिस्तान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये लोग अगर पिछले चुनाव में इन्होंने शमशान वो कब्रिस्तान का जो है बाउंड्री वाल ना कराया होता तो ये मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं होता। आज जिन्ना की क्या जरूरत थी? दो ही कारण हो सकते हैं इसके पास जी। या तो पहला कारण ये डर गए हो कि कहीं भारतीय जनता के तीन तलाक, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, मकानों की योजना से कहीं मुस्लिम वोटर भारतीय जनता पार्टी के तरफ ना चले जाए, तो ये लोग जो है इस तरीके का तीक्ष्ण तीर छोड़े। हम तो भाई मुसलमान जो MOI हमने नारा दिया था उस पर आज भी कायम है कि मुस्लिम यादव हमारे साथ रहेंगे। दूसरा कारण हो सकता है कि ये इनके पास अब तिलमिलाहट के अलावा और कुछ रह नहीं गया है कि भारतीय जनता पार्टी कर्मयोगी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इतना विकास की जो है गंगा बहा दे रही है, विकास की धारा को हम लोग जो विकास कर रहे हो किसी एक के लिए नहीं कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा पर चल रहे हैं हम लोग और वही कर रहे हैं। तो दो चीजें हो सकती है। देखिए आज एक घोषणा किया उन्होंने हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये तो रणछोड़ टाइप कुछ आ रही है सूचना। तो मुस्लिम तुष्टिकरण, चुनाव न लड़ने की घोषणा, आप देख लीजिए कितनी बौखलाहट और दहशत है समाजवादी पार्टी में। जो रणनीति है ना कहीं ना कहीं करनी पड़ रही है अश्वनी जी, समाजवादी पार्टी किस रणनीति से आगे बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रही। कभी अखिलेश यादव कुछ करते हैं और आज अचानक से कह देते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए ये सोचने वाली बात है, रणनीति तो एकदम समझ में आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जब आज से एक महीने पहले शायद मैं आपके बहस पे था और उस दिन और कई जगह था जी, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेताओं की एक टीम बनाई थी जो हर मंडल पर हर क्षेत्र में जो है हमने एक केंद्रीय नेताओं को उतारा था जी। उस समय भी इसी तरीके का बयान आया था कि इन लोगों का नेता नहीं है, यहां उत्तर प्रदेश में वहां से ला रहे, तो कुछ उलझलुल बयान दिए गए थे। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपने बूथ और पन्ना पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हम ग्रास रूट पे जा रहे हैं। अभी देखिए तीन चार दिन पहले माननीय गृहमंत्री जी आए, उन्होंने हमको एक लक्ष्य दिया कि आप जो है 1.5 करोड़ से ऊपर हम 4 करोड़ अपने जो है सदस्य बनाएंगे, 2.5 करोड़ है 1.5 करोड़ जोड़ लेंगे उसमें। तो हम तो अपने उत्तर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को वहां तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इनकी योजना बार बार विफल हो जा रही है, इसलिए इनको हमारे हिसाब से पैतरे बदलने पड़ रहे हैं कि हम आखिर क्या करें। भारतीय जनता पार्टी तो फिर से 300 पार का नारे दे रही है, फिर से जो है ये विकास की चीजों को लेकर जा रही है। जिस एक्सप्रेस वे को ये बताते थे कि कोई एक्सप्रेस वे कहां से चढ़ा जाए कहां से उतरा जाए, आजकल आप ही लोगों को कैमरा लेकर ये जाते हैं उसी पर और वहां से दिखाते हैं, कुछ ना कुछ तो कहना ही है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन सड़क तो बनी जो कहते थे कि नहीं बनी। जो मेडिकल कॉलेज की बात करते थे कि नहीं बना है, मऊ की रैली में पारुल जी इन्होंने कहा कि 9 मेडिकल कॉलेज बने हैं जी, तो अब ये मानने लगे हैं। तो इनके पास अब मुद्दे की कमी हो गई है, तथ्यों की कमी हो गई है, इसलिए उनकी योजना जगजाहिर है, वो जैसे भी करें हम अपने नारे पर कायम है सबका साथ सबका विकास और सबका। अश्वनी जी लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अब भी लगातार यही बयानबाजी सामने आती है, यही बातें सामने आती हैं कि बीजेपी सरकार ने कुछ विकास नहीं किया, बीजेपी सरकार ने जो योजनाएं पूरी करी हैं वो हमारी सरकार से चली आ रही थी, उन्हें पूरा कर अपना नाम लगा लिया कि हमने किया। चलिए पारुल जी हम मान लेते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आखिर वहां रोड पर पहुंचे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया कह रही है, मीडिया का एक चैनल का नाम नहीं लूंगा लेकिन एक प्रतिष्ठित चैनल था उनके साथ जी, और उन्होंने कहा ये रोड बनी है, यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है, ये यहाँ पर टॉयलेट नहीं बना है, पेट्रोल पंप नहीं बना है, ये सब चीज उन्होंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा जी। मऊ की सभा लोग कहते हैं बहुत बड़ी सभा हुई थी, उस सभा में उन्होंने मैंने भाषण सुना था, आप लोगों ने रिले किया था उसको, उन्होंने कहा था 9 मेडिकल कॉलेज बने हैं। तो ये आखिर माना ना, और उद्घाटन का उद्घाटन की परंपरा उन्होंने उनसे पूछने वाली वाला सवाल है कि यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा से दिल्ली तक बना था
उसका उद्घाटन मायावती जी ने कर दिया था जी। तो अखिलेश जी लाओ लश्कर के साथ फीता क्यों काटे थे उसका, उन्होंने किया था कि नहीं किया था? समाजवादी का पार्टी के प्रवक्ता आएंगे तो आप पूछ लीजिएगा उनसे जी। चलिए ठीक है अश्वनी जी, भूदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत देर से। भूदेव जी आप देख ही रहे हैं सुबह से क्या सियासत पूरे यूपी में इस समय हो रही है, जिन्ना की एंट्री हो चुकी है, आपका क्या टेक है इस पे? अखिलेश यादव ने जो तुलना की है और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि नई हवा है जो भाजपा है वही सपा है। देखिए पारुल जी, मेरा मानना तो ये है कि जो लोग इस देश में जिन्ना की तारीफ करते हैं या फिर जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। ये हमारे देश की विभाजनकारी शक्तियां हैं, सपा हो, बसपा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करते आए, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं। इनका सिर्फ एक एक ही मकसद है, बांटो और राज करो की नीति, कैसे भी करके केवल और केवल इनको सत्ता चाहिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हिंदुओं को पाकिस्तान और मुस्लिमों का डर दिखाया जाता है और ये खुद वहां पर जाकर के बिना बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री। और सपा के द्वारा जो मुस्लिम तुष्टिकरण किया जाता है आज उनको ब्राह्मण सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। इसलिए पारुल जी इस देश में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो जो एक राष्ट्रीय पार्टी है जो देश के सभी धर्मों सभी जातियों सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की बात करती है, सभी के विकास की बात करती है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है, हम हमेशा ही देश के प्रदेश के विकास के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं। अभी मेरे भाई अश्वनी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली पार्टी है, तो आज अगर देश में देखा जाए तो सही मायने में कांग्रेस पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करने वाली पार्टी है, क्योंकि ये लोग जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इन्होंने देश और प्रदेश के विकास के लिए क्या काम किया और आगे ये देश के बेरोजगार युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के गरीब लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, इस चीज को चुनाव में नहीं। भूदेव जी देखिए लगातार विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी नहीं बताती कि उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, अभी भी अश्वनी जी ने बताया था और लगातार बीजेपी के नेता बताते हैं कि उनकी सरकार ने क्या काम किया, चार साल में साढ़े चार साल में क्या कुछ किया, फिर भी ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने क्या किया। नहीं पारुल जी देखिए आज पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। आज हम भुखमरी में अपने पड़ोसी देशों से भी नीचे आ गए, आज हम हैप्पीनेस इंडेक्स में अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों से पीछे हैं, आज हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में अपने पड़ोसी देशों से नीचे हैं, आज महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर को तोड़ रही है, आज भी 265 रुपए सिलेंडर पर बढ़े हैं कॉमर्शियल सिलेंडर पर, पेट्रोल डीजल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था तो जमीन पर लेट चुकी है, तो आप बताइए विकास कहां किया है? जब देश के किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि ये हम दो और हमारे दो की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, जो भी योजना बनाती है वो केवल और केवल उद्योगपतियों के लिए बनाती है जिससे केवल अडानी और अंबानी का विकास हो, बाकी देश की जनता के पैसों का किस तरह अडानी और अंबानी के लिए उपयोग करना है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके अलावा इनको कोई मतलब नहीं है। आज बेरोजगारी में बेरोजगार युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, किसान देश की राजधानी पर सभी मौसमों में अपने डेरा डाले हुए डला हुआ है, लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, चुनाव जीतना है। अगर विकास किया है तो जनता के बीच में जाते हो तब बताइए ना विकास हमने ये किया है कि हमने देश के लोगों को कितना रोजगार दिया है, आपने जो वादे किए थे क्या वो वादे पूरे किए, क्या आपने कहा था कि महंगाई कम हो जाएगी, सिलेंडर आपको 150-200 रुपए में मिलेगा, पेट्रोल 30 रुपए लीटर मिलेगा, क्या ये विकास हुआ है, क्या काला धन वापस आया है, क्या आतंकवाद पर लगाम लगी है, ये विकास कहां गया? पारुल जी इनसे पूछिए, सवाल कीजिए, लेकिन अगर आप इनसे ये सवाल पूछोगे तो देखिए सवाल का जवाब देते देते ये मुस्लिमों पर, हिंदुओं पर और पाकिस्तान पर आकर के रुक जाएंगे। ठीक है अश्वनी जी से जवाब ले लेते हैं, अश्वनी जी बोलिए। देखिए पारुल जी, हमारे मित्र भूदेव जी ने जो आरोप लगाए, कांग्रेस इस समय बहुत तेजी से आरोप लगा रही है, चूंकि
कांग्रेस आरोप भी लगा रही है बहुत तेजी से, अश्विनी जी आगे भी बढ़ रही है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ पारुल जी, जो दिया जब बुझने को होता है तो बहुत तेज चलता है, तो वो आखिरी बार ये इनकी लौ फड़फड़ा रही है और प्रियंका जी आई है, इन लोगों में एक जान आई है, अच्छी बात है। अब मैं भी चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि कांग्रेस देश से खत्म ना हो, पुनर्जीवित रहे, कांग्रेस का कुछ रहे, उत्तर प्रदेश में 6% है, 10% हो जाए, 5% और बढ़ जाए। नहीं अश्वनी जी, कांग्रेस खत्म होने की खत्म होती नहीं दिख रही, इनफैक्ट ये चीज दिख रही है कि प्रियंका गांधी जो कर रही है, जो महिला कार्ड प्रियंका गांधी खेल रही है, उससे और पार्टियों को दिक्कत हो रही है, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, और पार्टियों को दिक्कत हो रही है जो प्रियंका गांधी कर रही है। जी पारुल जी, एकदम बात मैं सही कह रहा हूँ। तो 2 साल से अध्यक्ष जो है कि कुर्सी खाली है, तो बहुत सी महिलाएं हैं, क्यों नहीं सोनिया जी की जगह उनको महिला को अध्यक्ष बना दिया जाता है, ये बताएं तो बनाए 40% में उस सोनिया जी को हटाकर वो अध्यक्ष बना दे किसी महिला को, नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सोनिया गांधी एंड सन। और मैं आप तुष्टिकरण की बात पर आपको जवाब देना चाहता हूं शर्मा जी, तुष्टिकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। आपने लगाया ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, आरोप लगाना आपका काम है, लेकिन मैं आपको 2-4 चीजें याद दिलाना चाहता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रस्ताव रखा पूरे देश के हर जिले में सरिया अदालत बनाने की, आप लोगों ने उसका सम्मान किया कि हाँ बनना चाहिए, अब आप लोग सरिया कोर्ट बनवाएंगे, ये तुष्टिकरण नहीं है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 1919 के चुनाव के पहले आपके नेता शशि थरूर जी ने कहा कि अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो देश हिंदू पाकिस्तान हो जाएगा, यह तुष्टिकरण नहीं है, हिंदू पाकिस्तान क्या होता है भाई। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो तुष्टिकरण पर आती है आपके, मुस्लिम महिलाओं में भी खतना होता है, उसका समर्थन आप लोगों ने किया था, हमने 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को उबारा है, ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है, हमने उनको उज्ज्वला दी है, हमने उनको शौचालय दिया है, और आपने वो काम किया जिससे सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की महक ही नहीं, पूरा तुष्टिकरण का गमला है। आप लोग वहां मत क्यों नहीं देखते हैं, एक बार देखिए वहां, हम आए थे 200 रुपए किलो दाल हमने आपके शासन में खरीदा था, आज 80 रुपए खरीद रहे हैं। हाँ एक जगह जरूर, एक पारुल जी अच्छी चीज जरूर हुई है कि देश हमारा बाह्य रूप से आंतरिक रूप से मजबूत हुआ है, हमारी सेनाएं मजबूत हुई है, हमारा जो विदेशी रिजर्व का भंडार है, देश कितना भी मजबूत हुआ हो लेकिन जनता जब तक परेशान रहेगी देश मजबूत नहीं हो पाएगा। जनता इस समय महंगाई से परेशान है, कैसे देश मजबूत होगा, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे। अश्विनी जी, अश्विनी जी, शर्मा जी, मैं पारुल जी का, भूदेव जी, भूदेव जी रुक जाइए, आपको दूंगी समय, भूदेव जी आऊंगे आपके पास, बोलिए। देखिए पारुल जी, आपने तो क्या, पारुल जी ये बताइए, अच्छी बात है कि हमारा देश बाहर से मजबूत ना हो, हम जनता को मजबूत करें और देश के ऊपर बाहरी आक्रमण हो जाए, वहां आप कहेंगे नहीं सही सही है। नहीं देखिए, बाहर से देश मजबूत है वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के अंदर के लोग भी तो मजबूत होने चाहिए पारुल जी। एकदम देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर देश में जब तक लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलेंगी, आपको हमको कुछ महंगाई का सामना करना पड़ेगा। यही मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थव्यवस्था के मालिक थे, अर्थशास्त्री थे, और रघुराम राजन की एक किताब आई है, एक उनका लेख आया था, सोना बेचना पड़ गया था इन लोगों को, इनके पास पैसे नहीं थे, 50 टन या 500 टन सॉरी 500 टन सोना बेचना पड़ा था इन लोगों को। चंद्रशेखर जी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब की बात कर रहा हूं, रघुराम राजन जी का लेख है, हमने तो नहीं कहा, इन्हीं के समय में होते गवर्नर। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इतिहास के को ही वो करना है तो आज 500 अरब डॉलर का विदेशी रिजर्व है पारुल जी अपने देश में। और देखिए, मेरा मकान अगर 20 लाख रुपए का मैंने खरीदा और वो मैं 50 लाख रुपए का बेचता हूं तो उस समय मुझे उस महंगाई से कष्ट नहीं है, लेकिन इस महंगाई को भ्रमित करने के लिए 1241 रुपए का गैस सिलेंडर ये लोग बेच रहे थे और आज जो है 1000 रुपए का गैस सिलेंडर है तो इनको महंगा लग रहा है। चलिए ठीक है, ये लग रहा है अश्वनी जी, ठीक है, मेरे पास चार्ज है और आपके पास भी है अश्वनी जी, ठीक है, भूदेव जी बोलिए। पारुल जी,
पारुल जी, अश्विनी जी से ये पूछिए कि देश क्या पहले मजबूत नहीं था? क्या हमारे देश की सेना पहले मजबूत नहीं थी? शायद ये भूल रहे हैं कि जब पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, हमारी सेना पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। लेकिन आज सेना का जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और 2014 के बाद कितने आतंकवादी हमले हुए हैं, ये डाटा आप इनसे लीजिए कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में अधिक आतंकवादी हमले हुए या अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए, या हमारे सैनिक मनमोहन सिंह जी की सरकार में अधिक शहादत हुई या इनकी सरकार में अधिक शहादत हुई? नहीं भूदेव जी, भूदेव जी, ये डेटा लेने की तो जरूरत ही नहीं है, ये डेटा लेने की तो जरूरत ही नहीं है। हमें इस पर काम करना चाहिए कि किसी भी तरह आतंकवादी गतिविधियों को रोका जाए। कि आपकी सरकार में कितने आतंकवादी हमले हुए थे, बीजेपी की सरकार में कितने हमले हुए थे, इस डेटा की जरूरत नहीं है पारुल जी। ये इनको बताने की जरूरत है ना, ये बार बार ये कह रहे हैं कि भारत बाहर से और अंदर से मजबूत हुआ। अश्विनी जी, ये देश इस देश के लोगों से बनता है। आज इस देश का किसान, युवा, गरीब, मजदूर सभी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ये केवल और केवल आपकी गलत नीतियों के कारण है, क्योंकि तो किसान आज आत्महत्या कर रहा है। 90,000 से अधिक बेरोजगार युवा प्रत्येक वर्ष आत्महत्या कर रहा है। आप नहीं भूदेव जी, भूदेव जी ये चीजें तो पहले भी होती थी, ये तो पहले भी होता था। किसान तो पहले भी आत्महत्या करते थे, बेरोजगारी तो पहले भी थी, पहले आते थे। लेकिन आप जो रेशियो था, आत्महत्या का जो रेशियो था वो बहुत कम था, जो इनके कार्यकाल में बहुत अधिक बढ़ा है। आज किसान देश की सीमा पर पड़ा हुआ है। पहले आंदोलन होते थे, चलिए ठीक है, निकाला जाता था, इतने दिन तक कोई आंदोलन नहीं करने दिए जाते थे, उनका समाधान निकाल के उनको दिया जाता था। लेकिन आज इनको कोई मतलब नहीं है, ये केवल और केवल अडानी और अंबानी के लिए काम करेंगे, इस देश को बांटने का काम करेंगे। ठीक है, जितनी कमियां भी आपने गिनाई है, उम्मीद है कि अगर आपकी सरकार आएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्होंने सवाल उठाया कि आज अखिलेश जी जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं, अपने जवाब दो कि आडवाणी जी जिन्नी मजार पर फूल चढ़ाने गए, आपके नेता जिन्ना की कई बार तारीफ कर चुके हैं, आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? आप केवल पुष्टिकरण की राजनीति, इस देश को शांत हो जाइए, मैं दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, अश्विनी जी बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा, सिर्फ 30 सेकंड का समय है, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, बस तुरंत। पारुल जी देखिए, किसी भी देश में जैसे हिंदुस्तान में हमारे बापू हैं, वैसे ही पाकिस्तान के लिए जिन्ना है। और हिंदुस्तान में कोई भी राजनेता, चाहे वो बिल क्लिंटन रहे हो, ओबामा जी रहे हो, या कोई भी रहा हो, जब आता है तो राजघाट जाता है। तो आप गांधी जी से जिन्ना की बराबरी करोगे? आप गांधी जी से जिन्ना की बराबरी करोगे? अरे ये यूज कीजिए भूदेव जी, ये यूज कीजिए, मैंने कहा आप यूज कीजिए। आप कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की बराबरी जिन्ना से करोगे? पाकिस्तान के लिए वो महात्मा गांधी। चलिए ठीक है भूदेव जी अश्विनी जी समय मेरे पास नहीं है, आप दोनों को मैं यही रोकूंगी, समय ज्यादा नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ऐसे में यूपी की सियासत में आज पूरे दिन भर सुबह से ही तूफान देखा गया, वो इसलिए क्योंकि यूपी के चुनाव में जिन्ना की एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जिन्ना से की, उसके बाद यूपी की सियासत में काफी खलबली मच गई है। बीजेपी के तमाम नेता अखिलेश यादव को चारों तरफ से घेर रहे हैं और माफी मांगने की मांग की जा रही है कि अखिलेश यादव एक बार सोचे कि क्या उन्होंने कहा, कितना सही कहा, और देश के सामने आकर वो माफी मांगे। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से अभी भी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव अपने बयान के बारे में सोचेंगे कि क्या उन्होंने गलत कहा और क्या वो माफी मांगेंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।